हेलो एवरीवन, दिस इज 81 क्वेश्चन ऑफ सीएसआईआर नेट केमिस्ट्री। द क्वेश्चन इज द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर गिवन रिगार्डिंग द एगोस्टिक इंटरेक्शन CH बॉन्ड विद IR ऑब्जर्व्ड इन दिस कंपाउंड। ये क्या बता रहे हैं, इसमें एगोस्टिक इंटरेक्शन बतानी है, उसमें से क्या क्या होता है। ये हमारे पास क्या यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले जो एगोस्टिक इंटरेक्शन होता है, क्या होता है इसमें, क्या होता है CH बॉन्ड होता है, जो किसी भी लिगेंड से क्या होता है, लिगेंड के अंदर क्या होता है, ये बॉन्ड प्रेजेंट होता है जो कॉम्प्लेक्स के साथ क्या करता है, इंटरेक्शन में होता है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे CH और इसमें क्या होता है IR के साथ क्या है, यहाँ पे बॉन्डिंग में है CH बॉन्ड। ये क्या है, एगोस्टिक इंटरेक्शन है। हमें इसके बारे में क्या बताना है, देखिए जो एगोस्टिक इंटरेक्शन होता है वो कैसे डिटेक्ट किया जाता है। HNMR का जो पीक होता है वहाँ पे, HNMR का जो पीक होता है किस किस के बीच में होता है, यहाँ पे कैसे शिफ्ट होता है। यस, जो HNMR हमें पीक मिलती है किस किस के बीच में मिलती है, यहाँ पे जैसे जो अराइल या फिर एल्केन होता है, अगर किस किस के बीच में हाइड्राइड जो लीगेंट होता है उसकी रेंज क्या होती है, -5 से -15 PPM होती है, या फिर इसकी रेंज क्या हो सकती है, +25 से -60 PPM होती है। ये क्या होता है, एगोस्टिक इंट्रैक्शन होता है। यहाँ पे देखिए, जो हमें ऑप्शन दिए गए हैं, हमें ये बताना है इन ऑप्शंस में से कौन कौन सा सही ऑप्शन है। सबसे पहले देखिए, यहाँ पे अपफील्ड शिफ्ट ऑफ द CH प्रोटोन इन द HNMR स्पेक्ट्रम, यहाँ पे क्या कह रहा है, यहाँ पे जो CH का प्रोटोन होता है HNMR स्पेक्ट्रम में अपफील्ड शिफ्ट होता है, तो ये क्या है, सही ऑप्शन है यहाँ पे, क्योंकि HNMR में ही शो किया जाता है। सेकेंड देखिए, इंक्रीज एसिडिक करैक्टर ऑफ CH, ये क्या करता है, CH का एसिडिक करैक्टर इंक्रीज करता है, तो यहाँ पे ये दोनों फर्स्ट और सेकेंड क्या है, इसके सही ऑप्शन है। इसका आंसर क्या है, यहाँ पे फर्स्ट एंड सेकेंड इसका सही आंसर है। तो यहाँ पे ये क्या है, IR स्पेक्ट्रम में नहीं दिखाया जाता ये। एवरीवन, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए, और वीडियो को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए। थैंक यू।